ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एसडीएम के रीडर के रूप में तैनात रहे बर्खास्त शुदा रीडर हरीश निगम अपनी अधेड़ पत्नी पर भद्दे और बेहद ही आपत्तिजनक आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही उनके साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकालने की कोशिश कर रहे। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड हाई कोर्ट के बगल में खुबी के बजरिया में रहने वाला हरीश निगम रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट से सजा पाने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ, जहां वह अपनी पत्नी पर आपत्तिजनक आरोप लगाकर पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करता है, जिसको लेकर पत्नी ने मीडिया से गुहार लगाई है। दरअसल बीते दिनों भी उसके पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर माँ बेटे के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन मामले में पुलिस मामूली धाराव में केस दर्ज की, जिसके चलते पूर्व कर्मचारी के हौसले बुलंद होते जा रहे। हालांकि अब पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी पर धारा बढ़ाने की बात कर रही। क्या नाम है? मेरा नाम बबली निगम है। मैं खुबी के बजरिया हाईकोर्ट पर रहती हूँ। मेरे पति हरीश निगम, जो कि मेरे ऊपर 3 साल से आरोप लगा रहे हैं बच्चलन होने का, पर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ना ही उन पर कोई सबूत है और ना कुछ है, बस मोबाइल में फ़ोन फिल्में देखते हैं और उसी में मेरे को कहते हैं कि ये तू है, तू है, तू है। शिकायत नहीं किया आपने? मैंने शिकायत की है सब जगह, इंदरगंज थाने में सबको मालूम है। उनने वीडियो फोटो वगैरह सब देखे हैं और सब ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि ये लेडीज़ नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मेरी मारपीट करते हैं और मेरे को गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, यहाँ तक कि मेरी बच्ची पर भी आरोप लगाते हैं, मेरी बहू पर भी लगाते हैं। और हम लोगों पे अब वो ये इल्ज़ाम लगाने लगे कि हम उनको जान से मारना चाहते हैं, जबकि आप 22 तारीख का वीडियो देख लीजिए, उनके परिजनों ने सब ने हमको घर में से निकाल के रोड पे मारा है, मुझे और मेरे बच्चे को घसीट के। उनके संग में 4 लड़के और थे जिनने मेरे को लात घूसों से मारा है। मेरे जेठ हैं जो पवन कुमार निगम, उनका लड़का है हिमांशु निगम, और रक्षा वो उनने ना मेरी और आपस की लड़ाई को जो कह रहे हैं, या तो तू मान कि ये तू है गलत काम करती है, और नहीं मानेगी तो मैं तेरे को यहाँ पे जिंदा रहने नहीं दूंगा, तेरे को घर से लात मार के भगाऊंगा, तेरे बच्चों को भी भगाऊंगा। उसमें मेरे बच्चे साथ देते हैं कि मैं हमारी माँ गलत नहीं है, हमारी माँ को तुम गलत साबित कर दो, हम उसको सजा देंगे, पर वो गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं। पर उनका कहने का मतलब यही है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, इसमें तुम इसका साथ दोगे तो मैं तुम्हारा भी जीना मुश्किल कर दूंगा। और मेरे बच्चे को भी ना तनख्वाह ले, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, पुड़िया बीड़ी सिगरेट सब चलता है उनका। क्या नाम है उनका? हरीश निगम, कलेक्ट्रेट में सर्विस करते थे, जो कि है ना एसडीएम के पद पर रीडर थे, पर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। 11 महीने की जेल काट के आए हैं, उनकी जमानत भी मैंने ही कराई है। फोटो वीडियो आपका जी हाँ है, आपका फोटो वीडियो है? मेरा कोई फोटो वीडियो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ मैं इसका फोटो वीडियो मेरे पे है, पर मैं कहती हूँ तुम बताओ, जो तुम स्पीच दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बीट दे रहे हो मीडिया में, तो उनको फोटो भी दिखाओ ना, लोग साइट पूछ रहे हैं तो साइट बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? पर हाँ है, हाँ है, बस यही कह रहे हैं, पर वो सबूत उन नहीं दे पा रहे हैं वो। और उसमें हाँ उनके बहन, मैं चिल्ला चिल्ला के पुलिस को बोला कि हाँ 7 लोगों ने मुझे मारा है, 7 लोगों ने मुझे और मेरे लड़के को मारा है, पर FIR केवल उनकी बहन के, जो रक्षा गुप्ता है, और हरीश निगम, केवल उन दोनों के नाम हुई है। अब क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि जो उनका लड़का हिमांशु निगम और पवन कुमार निगम है, जो उनने मेरे बच्चे को पकड़ के मारा है, उन दोनों के नाम बढ़े, और जो उनकी बहन है रक्षा गुप्ता, उसका लड़का है अमन गुप्ता, उसका पति है राजू कटारे, उसका दामाद है विशाल परियार, इन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। सर मार्केट का वीडियो वायरल हुआ कुछ दिन पहले, और उसमें क्या अपडेट है अभी तक? थाना इंद्रगंज में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो अभी कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें उसके पति और उसकी पति की बहन के द्वारा मारपीट की जा रही थी। फरियादिया द्वारा एक वीडियो हमको और प्रस्तुत किया गया है, जिसमें और भी लोग उसके साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, तो जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनको उनमें अपराध में आरोपी बनाया जाएगा और विवेचना में तथ्य शामिल किए जाएंगे।